एक लोटा जल का कितना महत्व है, जरा विचार करिएगा। दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी का श्राप देवताओं का लगा, जरा ध्यान देना। कई लोग कहते हैं गुरुजी ये एक लोटा जल तुम कहां से लेकर आए हो, ये एक लोटे जल की महत्वता कहां से लेकर आए हो, जो दुनिया के लोग शिव महापुराण पर उंगली उठाए, शंकर जी की पूजन पाठ पर उंगली उठाए, उनको यह कथा जरूर सुना देना कि एक लोटा जल कहां से आया, उस एक लोटे जल का महत्व कहां से आया। आप लोग एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो सियोर वाले महाराज पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ना महादेव पर एहसान कर रहे हो। एक लोटा जल अगर आप शिवजी के मंदिर में चढ़ा रहे हो तो तुम एहसान नहीं कर रहे हो, तुम अपने सात पीढ़ी का नहीं, उज्जैन के महाकाल के मंदिर के पास में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में लिखा हुआ है, एक लोटा जल से सात पीढ़ी नहीं तरती, 71 पीढ़ी तार रहे हो। किसी सियोर वाले महाराज का या फिर महादेव पर तुम एहसान नहीं कर रहे, आपकी जिंदगी आप तार रहे हो, आपका जीवन आप सफल कर रहे हो, आप अपना जीवन सार्थक कर रहे हो। इस कहां से आया एक लोटा जल, दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी का श्राप सबको लग गया, देवताओं को, सारे देवताओं को श्राप लग गया, देवताओं के घर में संतान नहीं हो रही क्योंकि इनको श्राप था कि तुम्हारे यहां संतान नहीं होगी, संतान नहीं, क्या करा जाए। पार्वती जी ने भी मन में विचार करा कि ये तो श्राप लगा है देवताओं को, अब करना क्या चाहिए। पार्वती जी ने एक व्रत रखा जिसका नाम था पुण्यक व्रत। कौन सा व्रत है, जम के बोलो पुण्यक, कौन सा व्रत है, पुण्यक व्रत। पार्वती जी ने एक व्रत रखा जिसका नाम था पुण्यक व्रत। मां पार्वती, वो व्रत एक वर्ष तक होता है, उस व्रत में एक वर्ष तक भगवान का पूजन करना, एक वर्ष तक किसी ना किसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजन करना, एक वर्ष तक वृक्ष के नीचे बैठकर उसी पत्ती का सेवन करना जिस वृक्ष के नीचे बैठे, ये पुण्यक व्रत माता पार्वती जी ने करा एक वर्ष। किस लिए करा था, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए। दिल से अगर कुछ करोगे, दिल से आप भगवान से प्रार्थना करोगे तो वो दिल से देता भी। महापुराण की कथा करते करते सालों निकल गए, एक विश्वास शिव महापुराण के प्रति देखा है कि जितनों ने भी दिल से कथा सुनी है, दिल से कथा सुनने में अंतर है, ऐसे कथा सुनने में अंतर है। किसी ने टल्ला मार दिया तुम बात करने लगे, किसी ने निकल कर गया तुमने बोलना चालू कर दिया, कोई कुछ कह रहा है ध्यान उधर लगा लिया, कोई ने कुछ बोल दिया ध्यान उधर चले गया। सात दिन पंडाल में एक जगह पर बैठकर, सात दिन ये जे लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, आप लोग आते हो शहर के लोग तो रोज आते हो, रोज जाते हो, पर कभी मेरे भोलेनाथ जी से इतना कह देना कि इन पत्र में एक पत्र मेरा भी रखवा देना। भोलेनाथ जी से कहना एक कथा किसी पंडाल में मैं भी सात दिन दरी कम्बल साथ लेकर जाऊं, एक जगह पर बिछाकर उसी जगह पर बैठकर कथा का रस मैं भी लूं, मेरा बाबा मेरा भी कल्याण करे, ऐसी कृपा हो जाए। कभी मन में विचार बनाना। दुनिया के लोग प्रयाग में जाकर कल्पवास करते हैं, हरिद्वार जाकर कल्पवास करते हैं, दुनिया के लोग एक महीना 15 दिन का निवास करते हैं, 2 दिन का निवास करते हैं, काशी में जाकर, हरिद्वार में जाकर, सोमेश्वर जाकर, उज्जैन जाकर। कभी भोलेनाथ से कहना मैं इतनी दूर नहीं जा सकती, तो मेरे गांव के पास में कहीं शिव पुराण की कथा हो तो मैं भी एक आसन से सुनूं, तुझमें दिल लगाकर सुनूं। जैसे वो आगरा से भाई आया था, उसने कहा मैंने नियम लिया था कि मेरा बेटा व्यसन से मुक्त हो जाए, शराब पीना छोड़ दे और उसकी शादी हो जाए, जो 30 साल का हो गया था, भगवान ने 4थी कथा पीछा नहीं छोड़ा, आखिरी में भोलेनाथ ने कृपा करी, उसका व्यसन भी छूटा, शादी भी पक्की। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये उगड़ी है। कथा वो नहीं होती कि तुमने बस यहां से सुना, यहां से निकाल दिया, बचे कुछ थे तो कथा को एंजॉय करने के लिए या कथा में आनंद लेने के लिए नहीं जाना है, कथा में हमें शिव को ढूंढने जाना है कि मेरा बाबा मिलेगा कैसे, मेरा शंकर कैसे मिलेगा। टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, तो आपका विश्वास, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं इनका विश्वास जागा तो है, नहीं तो टीवी चालू नहीं करते, नाटक देखते रहते, क्यों आस्था चैनल चालू करा, क्यों मोबाइल पर कथा निकाली, नहीं नहीं सियोर वाला मारा जा रहा होगा, कथा निकाल। तुमने मोबाइल पर भी भगवान को ढूंढा है, तुमने चैनल पर भी भगवान को ढूंढा है,
तो पंडाल में भी कथा सुनने बैठो तो भगवान को ढूंढ कर बैठो कि मेरा भोलेनाथ मुझे मिले, मेरा शंभू मुझे मिलेगा। 14 वर्ष तक जिसके यहां संतान नहीं हुई वो सब दूर से जब आस छोड़ देता है तब वो शंकर की शरण में जाता है, तब वो शिव तत्व की ओर जाता है। सालों साल हो जाती है और औलाद नहीं आती, तब व्यक्ति को लगता है कि अब संतान नहीं हो सकती। आस छोड़ दी लोगों ने 10 साल 20 साल, इस व्यासपीठ ने 25 से 30 साल जिसकी शादी को हो गए उन तक की गोद में संतान देखी इस व्यासपीठ ने, और उनकी आंख में से आंसू बहते हैं कि मेरे को 30 साल बाद बाबा ने संतान दे दी। ये व्यासपीठ ने देखी, ये सहज नहीं है। इन पत्रों के ढेर में तुम्हारा भी पत्र आए, तुम भी दिल से बाबा से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें स्वीकार करे। एक दिन शिव जी के मंदिर गए, 1 महीना शंकर जी के मंदिर में गए, 1 महीना 2 महीना भगवान के मंदिर में गए, और तुम विचार करो कि मेरा बाबा मेरी झोली भर दे, ऐसा नहीं होता। पहले भगवान पूरा परखता है, तुम जाते रहो उसके दरवाजे पर, जाते रहो, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, जाते रहो उसके दरवाजे पर, कभी तो सुनेगा, कभी तो सुनेगा, जाते रहो। वो रेलवे स्टेशन गए हो आप लोग कभी? अरे बोलो तो जमके, स्टेशन गए हो रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन पर बड़े बड़े माइक लगे होते हैं, अंदर बैठी हुई एक महिला बार बार बोलती है 12 1 2 3 4 नंबर की गाड़ी, ये वाली एक्सप्रेस इतनी बजे इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही है। एक बार नहीं बोलती वो, कितनी बार बोलती है? 5 बार भी नहीं बोलती वो, तो जब तक बोलती है जब तक ट्रेन नहीं आ जाए। बोलती कि नहीं बोलती? ट्रेन आ गई तो भी बोल रही है। अब क्या बोल रही है? 1 2 3 4 ये एक्सप्रेस 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई है। नहीं आई तो भी बोल रही थी, आ गई तो भी बोल रही है, ट्रेन चली गई तो भी एक बार बोली है, ट्रेन 4 नंबर प्लेटफॉर्म से छूट चुकी है। उसी तरह जैसे वो कमरे में बैठकर बार बार बोल रही है कि ये ट्रेन आ रही, ये ट्रेन आ रही, तो तुमको धैर्य बंधा रहता है, आने वाली है, 15 मिनट की देरी है, 20 मिनट की देरी है, ओहरा पड़ गया होगा, आ रही होगी, आ रही होगी, और आखिरी में वो सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसी तरह तुम भी शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो, आता होगा, आता होगा, आता होगा, आता होगा, और आकर खड़ा हो जाए, आएगा मेरा बाबा, आएगा। ट्रेन का इंतजार करते हो, वो बोलती रहती है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, 5 मिनट की देरी, 10 मिनट की देरी, 20 मिनट की देरी, तुम्हारा मां धैर्य नहीं छूटता, छूटता है क्या धैर्य? तुमने कभी सोचा आधे घंटे की देरी है मैं तो अब जाऊं नहीं इस ट्रेन से, मैं तो सामान लेके मेरे घर जाऊंगा? नहीं, और आधा घंटा इंतजार कर लो, आधा घंटा रुके तो मालूम पड़ा 1.5 घंटा और लेट हो गई। अब सोचे मैं तो जा रही मेरे घर, अब नहीं जाऊं इस ट्रेन से, नहीं 1.5 घंटे की तो बात है, और रुको, धैर्य नहीं तोड़ा, और रुको, और रुको, और रुको, और रुको, रुकते रुकते 8 बजे रात को 11-12 बजे आई, तब तुम उसमें बैठी और वो बाई बोलती रही, आ रही है, बोलते जाओ, आ रही है, आ रही है। तुम उसके मंदिर में जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, ये मत सोचना कि गुरुजी ने बोला था 3 महीने का, नहीं नहीं, किसी किसी की फाइल मोटी होती है ना तो उसको पढ़ने में भी समय लगता है, काटने में समय लगता है, छुपाने में समय लगता है, उसी तरह दुख अगर बड़ा है तो थोड़ा समय लग सकता है, पर धैर्य मत खोना, आएगा जरूर और दुख काटेगा जरूर, ये निश्चित है, धैर्य मत तोड़ना, आएगा तो मेरा बाबा आएगा, आएगा। मैंने भोले को बुलाया है वो आता होगा, वो आएगा जरूर, मैंने अगर दिल से पुकारा है, दिल से कहा है, दिल से पुकारा है, और जब आप दिल से पुकारोगे सियोर वाला महाराज भले के देता है कि 1 महीना जल चढ़ा कर देखो, 2 महीना चढ़ाओ, 3 महीने में बाबा आपकी झोली भरेगा, पर विश्वास रखकर अगर तुमने 3 महीना भी जाने दो, 2 दिन भी अगर विश्वास रखकर जल चढ़ा लिया तो वो 3 महीने का इंतजार नहीं करेगा, तेरे पास खड़ा मिल जाए। कोई जरूरी नहीं है सभी ट्रेनें लेट आए, कोई जरूरी नहीं है कि तुम सबका काम ही 3 महीने में होगा, कोई कोई ट्रेन बिफोर भी आ जाती है, बोलो सही है कि गलत है? कोई कोई ट्रेन 8 बजे का टाइम है तो उसके पहले ही, मां 2 स्टेशन पहले ही आके खड़ी है, क्यों खड़ी है? इधर से हरी झंडी मिले फिर जाऊंगी। उसी तरह भोलेनाथ भी कभी कभी इंतजार में खड़ा रहता है स्टेशन के पास में ही, ये लोटा लेके मंदिर आया और मैंने इसका काम निपटाया, कभी कभी वो भी फोड़ खड़ा है,
तुम सोच रहे हो भगवान मेरा काम करेगा, भगवान बोले मंदिर तो आए एक लोटा लेके, वो इंतजार में खड़ा है। एक भक्त लक्ष्मी जी से कहता है, भगवान से कहता है, भगवान मुझे इतनी लक्ष्मी दो, इतनी लक्ष्मी दो, इतनी दो कि मैं कथा कराऊं, मुझे इतना धन देना कि मैं कथा करवाऊं। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, वो बेचारा बोल रहा है कि भगवान मुझे इतना धन देना कि मैं कथा कराऊं, तो तू उसको धन क्यों नहीं दे देती। लक्ष्मी जी बोली, मैं खुद इंतजार में बैठी हूं, मैं धन जब दूंगी जब ये कथा कराएगा। अब ये इंतजार कर रहा है कि धन आए तो कथा कराऊं, और लक्ष्मी जी कह रही है कथा कराए तो मैं आऊं। अब दोनों उलझट्टे में पड़े हुए, अब करे तो करे क्या। तब खबर पहुंची भगवान विष्णु के पास में कि अब क्या कर सकते हो। लक्ष्मी कह रही है ये कथा कराए तो मैं जाऊंगी, और वो बोल रहा है कि तू मुझे दे तो मैं कथा कराऊं, तब क्या कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मन में बात आई तो भगवान विष्णु शंकर जी के पास में गए और भोलेनाथ बाबा के पास में जाकर, शिव जी के पास में जाकर बोले, अब हम बीच में फंसे हैं, ये इतने लोग आते हैं, सब कहते हैं भगवान मुझे धन देना तो मैं कथा कराऊं। बोलो सही है कि गलत है, सबके मन में आता कि नहीं भगवान धन देना तो मैं कथा कराऊं। और लक्ष्मी जी क्या कह रही है, पहले कथा करा तो मैं धन दूं। तब भगवान शिव जी ने बीच का रास्ता निकाल दिया। शंकर भगवान ने भगवान नारायण से कहा, बीच का रास्ता एक ही है, जहां कथा सुनने बैठो वहां एक संकल्प कर लो कि कथा कराने का मन में प्लान विचार तूने दिया है, व्यवस्था भी तू ही करेगा, अब तू जान तेरा काम जाने, पर कथा मेरे जीते जी एक बार तुझे कराना है। बस संकल्प तुमने ले लिया, अब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को फिर धीरे धीरे कुछ तो कर दे, थोड़ा बहुत तो दे दे, तब कहीं से व्यापार में कहीं 2 रुपया का फायदा हो गया, तब मन में आया अब करा लेता हूं, थोड़ा सा आया है, थोड़ा कहीं से आएगा, हो जाएगा। तब लक्ष्मी फिर टूटमान हो गई, संकल्प तुम्हारा है पूरा वो करेगा। आप उसके भरोसे पर रहो, जब आप उसके भरोसे पर रहोगे तो निश्चित है कभी कभी ट्रेन बिफोर आकर खड़ी हो जाती है, आए। और उस समय नैनों में अगर जल भी होगा तो वो सोच लेगा कि मेरे लिए बाहर आ, मेरे लिए बाहर। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा भी छोड़ती जवानी, बाबा डोर हर तो छटी ना में कटी जवानी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। दिल से उससे कहो, हम बेटा बेटियों से कहते हैं तुम एग्जाम देने जाते हो, परीक्षा देने जाते हो, कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो, तुम इंटरव्यू देने जाते हो, तुम एक बार इंटरव्यू देते हो, एक एग्जाम देते हो और तुम हार जाते हो, क्यों? क्योंकि अभी तक तुम इंटरव्यू दे रहे हो, अभी तक तुम परीक्षा दे रहे हो, तुम अपने बल पर दे रहे हो। जिस दिन परीक्षा देने बैठो उस दिन तुम्हारे भीतर यह होना चाहिए कि याद कर कर मैं आया हूं, पढ़ा मैंने है, पर लिखेगा मेरा महादेव, लिखेगा मेरा महादेव। पीटी उषा, वो पीटी उषा जो दौड़ की माहिर थी, नाम सुना कि नहीं सुना? सुना है ना, जो दौड़ती थी, दौड़ में प्रथम आती थी, वो भारत की बेटी, वो पीटी उषा जब दौड़ने के लिए आतुर होती थी, आगे निकल जाती थी, सबको हराकर पहले नंबर पर आ जाती थी, तो इंटरव्यू लेने वाले पत्रकारों ने जब उनका इंटरव्यू लिया तो पूछा पीटी उषा से कि तुम सबको हरा देती हो और आगे निकल जाती हो, जीत जाती हो, तुम दौड़ती ऐसा तेज हो कि तुम जीत जाती हो, इस दौड़ने का राज क्या है? पीटी उषा ने कहा, मेरी माँ ने और मेरी दादी ने मुझे बचपन से समझाया था कि जब तू दौड़ने के लिए घुटना पृथ्वी पर टेकेगी और भागने की तैयारी करेगी, घुटना पृथ्वी पर टेक कर एक पांव पीछे कर एक पांव आगे कर भागने की तैयारी करेगी, तब मेरी दादी मुझसे कहती थी, बेटी एक बात याद रखना, तू किसी को हराने के लिए नहीं भाग रही है, तेरी माखन की मटकी लेकर कृष्ण भाग रहा है, तू गोपी है उस मटकी को लेने के लिए भाग रही है, तू जीत जाए। हमारे खेलने वाले खिलाड़ी भी सनातन धर्म को मानने वाले, वो कहते हैं
भगवान कृष्ण मटकी लेकर दौड़ रहा है और पीटी उषा गोपी बनकर उसके पीछे दौड़ रही है, और कब जीत जाती है मालूम नहीं पड़ता है, कब जीत जाती है उसको मालूम नहीं है। दुनिया के लोगों को लगता है हमें हराने के लिए आगे बढ़ी है, हमें हराने के लिए आगे हो गई। नहीं साहब, कोई हराने के लिए आगे नहीं बढ़ता, कोई किसी को हराने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास भी मत करना। बहुत किसी को लगे हराने के लिए आगे बढ़े हो तो हराने के लिए कभी आगे मत बढ़ना, तो मेरे महादेव के लिए आगे बढ़ना। जब तुम आगे बढ़ोगे, शिव का नाम लेकर कोई एग्जाम दोगे, भगवान शंकर का स्मरण कर तुम कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठोगे, शिव तत्व को याद कर तुम अगर इंटरव्यू देने भी जाओगे तो वो महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और तुम्हारे पास में खड़ा भी रहेगा, आएगा वो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। वो वचन दिया है उसने जन्म के समय पर दिया है, गीता में कहा है कोई नहीं आएगा तब मैं आऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में कोई तुझे अग्नि नहीं देगा तो मैं दूंगा, जन्म मैंने दिया है पेट में भरूंगा, जन्म हुआ था तब माँ के स्तनों में दूध दिया था पेट भरने के लिए। दुनिया के चक्कर में मत पड़ना, पेट की जवाबदारी मेरी है, पेट में भर दूंगा, पेटी की जवाबदारी मेरी नहीं है। दुनिया के लोग सोचते हैं कि हमारे घर की पेटी भी भगवान भरे, तो भगवान के पेटी भर के करेगा क्या? एक दिन टांगड़ा ऊंचा करा गया वहीं पड़ा, वहीं सब धरा की धरा गया। मिलने वाले आएंगे, एक सस्ता वाला साल लाएंगे कि महंगा वाला, बोलो बोलो जम के, सस्ता। सस्ता वाला साल लाएंगे, उसी साल को लाके उड़ा देंगे, बस तुम्हारी गाड़ी 25 लाख की धड़ी है, किसी का की नहीं है वो 25 लाख की गाड़ी। आखिरी में बॉडी को ले जाने के लिए वो 25 लाख की गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे व्यवहार की जरूरत पड़ेगी। तुमने किसी का साथ दिया होगा, किसी की दुख की घड़ी में खड़े हुए होगे, तो वो 25 लाख की गाड़ी दरवाजे पर भले पड़ी रहे, तुमने जिसका साथ दिया होगा वो तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा कि कब लेकर जाना है। वो इंतजार होगा, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी वात्सल्यता। बंगला भले 4 मंजिल का हो किसी काम का नहीं है, इतना बड़ा मकान है तुम्हारा, तुम्हारा घर देखना तुम जाके कितना बड़ा है, क्या पूरे घर में सोती हो? बोलो तो जम के, पूरे घर में सोते हो? नहीं। इतना बड़ा घर, घर में भी तुम्हारा कमरा छोटा सा, कमरे में भी तुम्हारी अलमारी छोटी सी, अलमारी भी छोटी, और जिस बड़े सारा पलंग भी बड़ा, और उसमें सोने की जगह भी तुम्हारी बोलते जाओ छोटी सी, जितनी जगह में तुम सोते हो बस उतनी जगह में तुम्हें नींद आती है। तुम इधर से इधर भी सो गई ना तो नींद नहीं आती। किसी ने पूछा क्यों नींद नहीं आ रही, आज मेरी जगह पर वो छोरा सोया ना, तुम्हारी नींद ही नहीं आ रही, मारी जगह इतनी सी जगह, और अहंकार इतना बड़ा, मेरा मकान, मेरा मकान, मेरा मकान, मेरा घर, मेरा बेड, मेरा बेडरूम, मेरी ड्रेसिंग। भगवान ने भी कह दिया सब धरा रह जाएगा, बेड भी यही है, गद्दा भी यही है, और रूम भी यही है, आखिरी में कुछ भी नहीं जाएगा, सब पड़ा की पड़ा रह जाएगा। तेरे पास में इतनी सारी साड़ियां सब अलमारी में धरी रह जाएगी, एक साड़ी निकाल के पहना दी जाएगी, जो सोने की रकम पहनी वो भी रात को चोट्टे चुरा लेंगे। सबसे पहले चोट्टे तो हमारे घर में ही होते हैं, रात को मरे आधी रात को सब निकाल लेते हैं सब पूरी, और अगर एक आध दो चीज रह भी गई तो बहुवन सवेरे रोते रोते निकाल लेगी, इतना घूंघट कर जब वो घूंघट करेगी और तुमसे चिपक के रोएगी, सबको लगेगा बेचारी कितनी प्यार करती होगी सास से, प्यार में नहीं करती, कान में सोने की मुर्की थी, उसको दांत से कतर रही थी, उसको दांत से कतर ली पल्लू डाल के और मुंह में भर के, फिर देवरानी से बोली तू रोले मैं अभी आई पानी पी के। अरे चोटो साधारण वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का
कोई नहीं है कृष्ण। अंत समय प्रभु वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी अंत समय प्रभु 25 लाख की गाड़ी दरवाजे पर रखी रह जाएगी, करोड़ों का बंगला रखा रह जाएगा, एक से बढ़कर एक सूट बूट हैट सब धरा रह जाएगा, किसी काम का नहीं आएगा। तब उस जगह पर केवल एक ही चीज काम आएगी, जो तुमने एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया, वो जल का लोटा ही आखिरी में लोटा में ही भराओगे और लोटा में ही जाओगे। 25 लाख की गाड़ी वाला भी 25 रुपए के लोटे में भरा कर चला जाता है, 25 लाख की गाड़ी। इसलिए मेरी छत्तीसगढ़ की बहनों जीजियों और मेरे छत्तीसगढ़ के जीजाओं, एक बात का स्मरण रखिएगा अपने पास में, समय की अवस्था को पहचानना, जल के महत्व को पहचानना। व्रत करो मना नहीं, तप करो मना नहीं, साधना करो भजन करो मना नहीं, कीर्तन करो मना नहीं, वो भजन वो साधना वो व्रत वो उपास तुम्हारा भगवत भजन को प्राप्त करने का। लोग पूछेंगे एक लोटा जल कहां से लेकर आए हो? महाराज पूरी दुनिया में सबको लगता है कि ये एक लोटा जल चढ़ाने का महत्व समझाते हैं, बेलपत्री चढ़ाने का बताते हैं, बेलपत्री खाने का बताते हैं, शिवजी पर चावल चढ़ाने का बोलते हैं, धतूरा चढ़ाने का बोलते हैं, दुर्वा चढ़ाने का बोलते हैं, शिवजी को समी का पत्ता चढ़ाने को बोलते हैं। कभी विचार करिएगा, कभी स्मरण करिएगा, कभी आपको बोला इस व्यासपीठ से कि शंकर जी के मंदिर में जाकर इतने लाख रुपए दिया ना, या ऐसा कर देना, या तुम्हारा खर्च करने की कभी बात नहीं करी होगी। बात करी होगी तो केवल एक लोटा जल या एक बेलपत्र की, और बेलपत्र की भी बोली होगी कि शिव जी पे चढ़ा हुआ उठाकर चढ़ा दो, उतने में भी आनंद हो जाएगा। बोला कि नहीं बोला? उतने में भी सुख हो जाएगा। उस एक लोटे जल का प्रमाण क्या है? पार्वती मैया ने व्रत करा जिस व्रत का नाम था पुण्यक व्रत, और उस पुण्यक व्रत का जो बल था, उस पुण्यक व्रत का जो प्रभाव था, उस पुण्यक व्रत का जो आनंद था, एक वर्ष तक उस व्रत को करना था और एक वर्ष के बाद उसका उद्यापन करना था। एक वर्ष के बाद उसका उद्यापन माता पार्वती जी कर रही हैं, क्योंकि उनके घर में संतान नहीं है। दधीची बाबा की धर्मपत्नी का जो श्राप लगा सारे देवताओं को लगा है, संतान के लिए संतान नहीं होगी तो दुख है भीतर से, करूं क्या? तब पुण्यक व्रत करा, एक वर्ष का व्रत माता पार्वती जी ने पेड़ के नीचे बैठकर करना, उसकी पत्तियों को खाना और भगवान का पूजन करना। जब पुण्यक व्रत एक वर्ष का हो गया, तब से माता पार्वती जी ने कहा आज मेरा पूरा हो गया, अब मैं उद्यापन करना चाहती हूं, अब मैं उद्यापन कर दूं। उद्यापन का मतलब जानते हो ना आप लोग? व्रत पूरा होता है, पशुपति व्रत पूरा हुआ, 108 दाने आपने चावल के चढ़ाए या बेलपत्री के चढ़ाए या आपने फूल की पंखड़ी चढ़ाई, कुछ भी चढ़ाया, चढ़ाते हो ना 108 दाने, या एक श्रीफल भेंट के साथ शिवजी को दिया। जब तुम्हारा 5 पशुपति व्रत पूरे हो गए, तब तुमने 5वें व्रत के दिन ही यह सब कुछ कर दिया कि आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो गया, आज मेरा उद्यापन हो गया, आज उद्यापन हो गया। अब उद्यापन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई प्लाट तुमने लिया, समझना थोड़ा बहुत अच्छे से ध्यान से समझना उद्यापन का मतलब, तुमने प्लाट लिया, तुमने जमीन ली, तुमने मकान लिया, मकान में तुम रहने भी लगे, प्लाट में तुमने घर भी बना लिया, पैसे भी पूरे दे दिए, लाखों रुपए दे दिए, जमीन पे रह रहे हो, मकान बना लिया, प्लाट ले लिया या मकान में रह रहे हो, पैसे भी दे दिए पूरे, रह भी रहे हो, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए रहते रहते, पर तुमने उस प्लाट की उस मकान की अगर रजिस्ट्री नहीं कराई तो वो मकान तुम्हारा होगा क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। तुमने उसकी लिखा पढ़ी नहीं कराई, उस पर तुम्हारा सिग्नेचर और बेचने वाले का सिग्नेचर नहीं है, साइन नहीं है, तो उस प्लाट की उस जमीन की उस मकान पर तुम्हारा कोई कब्जा नहीं होगा। तुम भले रह रहे हो
तुम भले उस पे रह रहे हो पर उस पे तुम्हारा साइन नहीं है, उस पे बेचने वाले का सिग्नेचर नहीं है, भले तुमने पैसा दे दिया तो वो जमीन प्लाट मकान तुम्हारा नहीं कहलाएगा। उसी तरह तुमने पशुपति व्रत करे 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 करे, 16 सोमवार के व्रत करे, संकट सोमवार के व्रत करे, बुधवार के व्रत करे, मंगलवार करे, शुक्रवार करे, संतोषी माता के करे, लक्ष्मी जी के करे, वैभव लक्ष्मी के करे, तुमने सारे व्रत करे, उस व्रत का उद्यापन होना जरूरी है। एकादशी का व्रत कर रहे हो उसका भी उद्यापन होना जरूरी है, प्रदोष का व्रत कर रहे हो उसका उद्यापन होना जरूरी है। उद्यापन हो जाना मतलब मैंने अभी तक जो व्रत करे थे ये सारे व्रतों का पुण्य अब मेरे खाते में आ गया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, किसी के व्रत की जरूरत नहीं कि मैं मरूंगी। आपके मरने के बाद पंडित जी ब्राह्मण देवता संकल्प छुड़वाएं और एकादशी दिलवाएं, बहू से कहे 5 एकादशी दो, बेटों से कहे 4 एकादशी दो, यहां देते किन देते? अरे बोलो तो जम के, किसी के मरने के बाद 12वें 13वें में एकादशी दिलवाते हैं। अगर आपने एकादशी करी है और आपने एकादशी कर उसका उद्यापन करा है तो एकादशी का उद्यापन कर दिया मतलब आपने इतनी एकादशी करी उसका पुण्य तुम्हारे खाते में है। कोई तुमको एकादशी नहीं भी देगा तो भी तुम वैकुंठ जरूर जाओगे क्योंकि सिर ठप्पा लग गया। उस उद्यापन का मतलब यह है कि हमारा करा हुआ व्रत हमारे खाते में पहुंच गया।